दुनिया में हर कोई छिपे रहस्यों को जानना चाहता है और वैज्ञानिक आए दिन नए नए खुलासे करते हैं। वह आए दिन कई हैरान कर देने वाली खोज भी करते रहते हैं। अब इसी बीच वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर खोजा है और इस मंदिर में कई चौंकाने वाली चीजें भी मिली है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हाल ही में सऊदी अरब में 8000 साल पुराने एक शहर की खोज की गई है। सऊदी अरब के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक मंदिर मिला है और उन्होंने एक मंदिर के अवशेषों को खोजा है। जहां ये अहम अवशेष मिले हैं, वो स्थान रियाद के दक्षिण में स्थित है। मंदिर के अवशेषों से जानकारी मिलती है कि उस समय जो लोग वहां पर रहते थे वो पूजा अनुष्ठान करते थे। रॉक कट के नाम से जाना जा रहा ये मंदिर अल फौर नाम से जाने जाने वाले माउंट तुवाइक के किनारे पर स्थित है। वैसे हम आपको बता दें, खोजबीन के दौरान 2807 कब्र भी मिली हैं। ये कब्रें एक समय की नहीं बल्कि अलग अलग समय की हैं। इन्हें 6 ग्रुपों में बांटा भी गया है। मंदिर का ज्यादातर हिस्सा तो नष्ट हो चुका है, लेकिन पत्थर के ढांचों के अवशेष अब भी मौजूद है। माना जा रहा है कि कभी यहाँ बड़ी तादाद में लोग रहते होंगे। वैसे हम आपको बता दें, सऊदी अरब में खोजे गए प्राचीन मंदिर में धार्मिक शिलालेख भी पाए गए हैं। पुरातत्व विभाग ने अल फौर में यह खोज की है, जो कभी किंडा राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मंदिर और कब्रों के अलावा यह बात भी सामने आई है कि यहाँ एक शहर बसा हुआ था। और तो और, हैरान कर देने वाली बात ये है कि रिसर्च में पता चला है कि उस दौरान भी लोग बारिश का इस्तेमाल करते थे। पानी के खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों, पानी की टंकियों और गड्ढे किए गए थे। खोज से जानकारी मिली है कि लोग रेगिस्तान वाले स्थान पर पानी का इस्तेमाल कैसे करना है यह बात बखूबी जानते थे। एक जानकारी ये भी मिली है कि अल फौर पुरातात्विक क्षेत्र पिछले 40 सालों से पुरातात्विक अध्ययन में रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मूर्तियों और मंदिरों में पूजा की जाती थी। सऊदी अरब हेरिटेज कमीशन की तरफ से यह सर्वे किया गया है। कमीशन की ओर से इस कार्य के लिए एक मल्टीनेशनल टीम गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।